हेलो एवरीवन, अब मैं इस लेक्चर में आप लोगों को अपने पावर पॉइंट स्लाइड्स के अंदर इमेजेस को ऐड करने का जो है प्रोसीजर बताऊंगा। अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रेगुलर यूजर हैं तो फिर आप लोगों के लिए कोई नई बात नहीं होगी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर को ऐड करना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सबसे बॉटम पर चलता हूँ। हमारे पास ये एग्जीक्यूटिव टीम मेंबर्स की एक टीम है, यानी कि एक टीम है। अब इनकी पिक्चर्स हम शो करते हैं। इसका तरीका क्या है कि मैं यहां से करता हूं न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड की तो इसका क्योंकि फॉर्मेट मेरे पोजीशन के अकॉर्डिंग या मेरी डिजायर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, लेआउट पे जाता हूं और ब्लैंक पे सिलेक्ट करता हूं और मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट या ब्लैंक स्लाइड सिलेक्ट कर लेता हूं। इंसर्ट अब कैसे करेंगे? आप लोगों को यहाँ पे होम के टैब के साथ इंसर्ट की टैब नजर आ रही है नेविगेशन बार पे। यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आ रहा है पिक्चर्स का। पिक्चर पे क्लिक किया तो ये पिक्चर्स आप लोगों के पास हमारी जो एक्सरसाइज फाइल्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट है। तो मैं इसके बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट किया। लाइकवाइज मैं एक और पिक्चर इंसर्ट करता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर एक और सिलेक्ट की पिक्चर और इनकी सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम लास्ट पे एक और पिक्चर ऐड कर लेते हैं मिस जेनिफर की। तो ये आप लोगों के पास हमारी कुछ पिक्चर्स आ गई, लेकिन आपने देखा कि वो पिक्चर्स एक दूसरे के ऊपर आ गई, सो इसे घबराने की जरूरत नहीं। हम लोग पिक्चर्स को एक एक करके सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है? लाइकवाइज दिस। तो ये तो एक सिंपल सा तरीका था अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर को ऐड करने का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।